हेलो क्लास, दिस इज़ मोनिका दुआ, योर जीए टीचर। कैसे हो आप? होप प्रिपरेशंस अच्छी चल रही होंगी। सो अभी का जो आज का सेशन रहेगा हमारा, ये सारा हमारा ज्योग्राफी से रिलेटेड रहेगा, क्लियर। इसमें जो है हम एसएससी सीजीएल के जो प्रीवियस ईयर्स के ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं उनको हम कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। इससे पहले का जो हमने सेशन लिया था वो मेडिवल हिस्ट्री से रिलेटेड था। आई होप आपको बहुत अच्छे से डाउट क्लियर हो रहे होंगे। इसके अलावा जो है बीच बीच में जितने भी क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के उनके आंसर देना। प्लस आपका जो पेपर चल रहा है, जो अभी आप इस टाइम पे पेपर दे रहे हो आरआरबी के, तो आपके पेपर में क्वेश्चन से रिलेटेड मींस क्लास से रिलेटेड जो जो भी क्वेरीज आ रही हैं, आप मतलब क्वेश्चन जो जो भी आए हैं, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी फॉर्म में आए हैं, सो आप मुझे उसे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए। सो मुझे पता चल सके, मैं एनालिसिस कर सकूँ कि आपके पेपर में किस किस रिलेटेड आ रहा है, ठीक है। और इसके अलावा जो है आपको जो है जितने भी क्वेश्चन मेरे से पूछे जाते हैं, देखो खाली मैं कराती चलूँगी उससे काम नहीं चलेगा, ठीक है। आपको ये क्लास ऐसी है जिसमें आपको भी थोड़ा सा एफर्ट जानने पड़ेंगे, आपको भी थोड़ा सा पेन करना पड़ेगा। और वो कैसे करना पड़ेगा, जो भी क्वेरीज मैं आपसे पूछती हूँ आप मुझे उसके आंसर्स दीजिए, चाहे आप वो गूगल सर्च करके या किसी भी सोर्स के थ्रू आप आंसर सर्च कीजिए, पर आप मुझे आंसर दीजिए। बिकॉज जितना ज्यादा आप आंसर दोगे उतना ज्यादा आपका जो है वो माइंड में जो है लॉन्ग लास्टिंग फिल हो जाएगा, क्लियर। सो यही मेरा मोटो है, यही मेरा कारण होता है कि मैं आपसे कहती हूँ, आप बार बार आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइए। सो अभी हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर। इन हाउ मेनी पार्ट्स द शेडो ऑफ अर्थ इज डिवाइडेड ड्यूरिंग सोलर एंड लूनर इक्लिप्स। कह रहे हैं कि जब शेडो, जो अर्थ की जो शेडो होती है, जब लूनर इक्लिप्स या सोलर इक्लिप्स होता है, तो उस टाइम पर जो अर्थ की जो शेडो होती है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, 5, 3, 4 या 2। देखिए ये ध्यान रखना, जो अर्थ की शेडो होती है ड्यूरिंग द इक्लिप्स, चाहे वो सोलर इक्लिप्स हो चाहे वो लूनर इक्लिप्स हो, इस टाइम पर जो शेडो होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, 3। सो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, 3 पार्ट्स, ठीक है। क्या जाएगा इसका करेक्ट आंसर, 3 पार्ट्स, यानी जो अर्थ की शेडो होती है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, 3 पार्ट्स, क्लियर, ठीक है। अब मैं जो है उनके जो है नाम आपको लिख कर बताऊँगी और वो कैसे कैसे होती है, कौन कौन सी शेडो होती है, वो सारी मैं अब आपको बताऊँगी, ठीक है। सबसे पहले हैं अम्ब्रा, कौन सी होती है, अम्ब्रा, ठीक है। एक शेड का, शेडो का नाम क्या होता है, अम्ब्रा, ठीक है। अगर बात की जाए सेकंड शेडो की, तो सेकंड शेडो होती है आपकी पिनम्ब्रा, क्या होती है, पिनम्ब्रा, ठीक है। और अगर एक और शेडो की बात की जाए, क्लियर, अगर किसी और शेडो की बात की जाए, मतलब जो थर्ड नंबर की जो शेडो होती है उसको बोलते हैं अटम्ब्रा, क्या बोलते हैं, अटम्ब्रा, ठीक है। ये 3 शेडोज होती हैं जो इक्लिप्स के टाइम पर बनती हैं, अम्ब्रा, पिनम्ब्रा और टम्ब्रा, अटम्ब्रा जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए ये होता कैसे है, देखिए मानकर चलिए, जैसे सपोज कर ये अर्थ है, ठीक है। अब अर्थ पे यहाँ पर जैसे सपोज कीजिए यहाँ से जो लाइट आ रही है, अब ये जो लाइट आ रही है इसका जो पीछे का पोर्शन है, जो डार्केस्ट पोर्शन होता है, ठीक है, जो बिल्कुल डार्क होता है, ठीक है, ब्लैक होता है, टोटली डार्केस्ट जो पोर्शन होता है, उस डार्केस्ट पोर्शन को क्या बोला जाता है, अम्ब्रा, क्या बोला जाता है, अम्ब्रा। यानी ये अम्ब्रा किससे रिलेटेड है, डार्केस्ट पोर्शन से रिलेटेड है, ठीक है, डार्केस्ट जो पोर्शन होता है, क्लियर। उसके बाद क्या होता है, ध्यान से समझना, फिर हमारी जो शेडो देखो जैसे आ रही है, जो पीछे का जो पोर्शन है जो बिल्कुल डार्क है, ठीक है, वो क्या है, अम्ब्रा। अब जो शेडो साइड कॉर्नर से जा रही है, जो शेडो कॉर्नर से जा रही है उसको बोलेंगे पिनम्ब्रा, क्या बोलेंगे, पिनम्ब्रा, यानी जो कॉर्नर से पास होगी, किससे पास होगी, कॉर्नर से, जो शेडो कॉर्नर से पास होगी इक्लिप्स, अर्थ के इक्लिप्स के टाइम पर, उसको क्या बोला जाएगा, पिनम्ब्रा, क्या बोले, क्या बोला जाएगा, पिनम्ब्रा। उसके बाद आता है अटम्ब्रा। अब अटम्ब्रा क्या होता है, देखिए ये मेरा हैंड है, ये जैसे जैसे बोर्ड की तरफ गया, बोर्ड के ऊपर एक शेडो बन रही है, तो जो शेडो बनती है, ठीक है, जो बनती है, जो क्रिएट होती है, ठीक है, जैसे अब ये मेरा मान लीजिए ये क्लिप, ठीक है, ये अर्थ है, अब ये जैसे जैसे बोर्ड के पास जा रहा है, जो ये शेडो बन रही है, ठीक है, पीछे से जो शेडो बन रही है, दिस शेडो इज कॉल्ड अटम्ब्रा, दिस शेडो इज कॉल्ड अटम्ब्रा, मीन्स जो शेडो पड़ती है, ठीक है, जो शेडो फॉल करती है उस शेडो को क्या बोला जाता है, अटम्ब्रा, क्लियर। सो ये है आपका 3 पार्ट्स जिनमें जो है अर्थ जो होती है डिवाइड हो जाती है, अर्थ की शेडो डिवाइड हो जाती है ड्यूरिंग द इक्लिप्स, इक्लिप्स के टाइम पर, चाहे वो आपका सोलर इक्लिप्स हो चाहे वो आपका लूनर इक्लिप्स हो, क्लियर। अम्ब्रा, पिनम्ब्रा, अटम्ब्रा। अम्ब्रा में क्या है, डार्केस्ट पोर्शन। पिनम्ब्रा में क्या है, पिनम्ब्रा मींस कॉर्नर पोर्शन, जो कॉर्नर पोर्शन से शेडो निकल रही है, ठीक है। और अटम्ब्रा क्या है, अटम्ब्रा वो है जो शेडो पड़ रही है, जो पड़ रही है शेडो, दैट इज अटम्ब्रा, क्लियर। इसके अलावा जो है आपको पता होना चाहिए कि देखिए सोलर इक्लिप्स बनता कैसे है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। सोलर इक्लिप्स कैसे बनता है, जब सन
मून, अर्थ, ये सिचुएशन आ जाती है, ठीक है। अब आपको मुझे एक चीज बतानी है, क्या आपको मुझे लिखकर बताना है कमेंट सेक्शन में कि टोटल की, ठीक है, मैं किसकी बात कर रही हूँ, टोटल टोटल सोलर इक्लिप्स क्या होता है, टोटल सोलर इक्लिप्स क्या होता है, टोटल लूनर इक्लिप्स क्या होता है, पार्शियल सोलर इक्लिप्स क्या होता है और पार्शियल लूनर इक्लिप्स क्या होता है, ठीक है। ये आपको मुझे सारा कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है, टोटल सोलर इक्लिप्स, पार्शियल सोलर इक्लिप्स, टोटल लूनर इक्लिप्स, पार्शियल लूनर इक्लिप्स, ये अभी आपको सारा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि एक्चुअल में ये होता क्या है। इसके अलावा आपको मुझे ये सिचुएशन भी बतानी है कि न्यू मून सिचुएशन कब होती है, फुल मून सिचुएशन कब होती है, क्लियर। ये सारा भी आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के इसके आंसर्स देने हैं, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर। स्वेज कैनल कनेक्ट्स रेड सी एंड अरेबियन सी, रेड सी एंड मेडिटेरियन सी, अरेबियन सी एंड मेडिटेरियन सी, या नॉर्थ सी एंड बाल्टिक सी। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा रेड सी एंड मेडिटेरियन सी। क्या जाएगा इसका करेक्ट आंसर? स्वेज जो कैनल्स होती है, स्वेज जो कैनल है वो किसको कनेक्ट करती है? रेड सी एंड मेडिटेरियन सी। किसको कनेक्ट करती है? रेड सी एंड मेडिटेरियन सी, क्लियर। ये याद रखना, स्वेज कैनल किसको कनेक्ट करती है? रेड सी एंड मेडिटेरियन सी। इसके अलावा, यस, इसके अलावा देखिए आपको ऑप्शन में दे रखा है रेड सी एंड अरेबियन सी, ठीक है। जो फर्स्ट ऑप्शन आपका दे रखा है रेड सी एंड अरेबियन सी, तो देखिए उसको कौन कनेक्ट करता है, ठीक है। उसको जो कनेक्ट करता है वो है बैबल मैंडेब। क्या है? बैबल मैंडेब, बैबल मैंडेब, क्लियर। बैबल मैंडेब, ये किसकी बात करी है मैंने? ऑप्शन नंबर वन की, ऑप्शन नंबर वन की, क्लियर। ऑप्शन नंबर वन आपका क्या है? ऑप्शन नंबर वन है आपका रेड सी एंड अरेबियन सी। सो अगर मैं ऑप्शन वन की बात करूं तो ऑप्शन वन का जो करेक्ट आंसर जाएगा रेड सी एंड अरेबियन सी, ठीक है। इसको कनेक्ट करती है कौन? कनेक्ट करती है बैबल मैंडेब, क्लियर। इसके अलावा आपको ऑप्शन में दे रखा है नॉर्थ सी एंड बाल्टिक सी, ठीक है। क्या दे रखा है? नॉर्थ सी एंड बाल्टिक सी। देखिए इसको कनेक्ट करती है केल कैनल, यानी ऑप्शन डी की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन डी का आंसर क्या जाएगा? केल कैनल, या लेक कह सकते हो आप, ठीक है। ये याद रखना, क्लियर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये जितना भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर क्या है। विच इज़ द बिगेस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा कॉफी वर्ल्ड में कौन प्रोड्यूस करता है? इंडिया, ब्राज़ील, पेरू या अर्जेंटीना। देखिए द बिगेस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड इज ब्राज़ील। ये शायद मैंने आपको अपनी किसी एक पहले सीरीज में भी बताया था कि सबसे ज़्यादा जो कॉफी प्रोड्यूसिंग कंट्री है वो कौन सी है? दैट इज ब्राज़ील, दैट इज ब्राज़ील, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ब्राज़ील। अच्छा, अब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में एक बताना है, एक हमारे यहाँ पर होती है कॉफ़ी शार, या जिसे प्री मानसून शार भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कॉफ़ी शार, ठीक है, और जिसे प्री मानसून शार भी बोला जाता है, प्री मानसून शार भी बोला जाता है, ठीक है। सो आपको मुझे ये बताना है ये जो कॉफ़ी शार होती है या जो प्री मानसून शार होती है ये कब होती है, ठीक है, कौन से एरिया में होती है, कहाँ पर इसको बोला जाता है कॉफ़ी शार। मतलब नाम से ही पता चल रहा है कॉफ़ी शार जो होती है कॉफ़ी की प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा जो है यूज़फुल होती है, मतलब उस मतलब कॉफ़ी के लिए बहुत ज़्यादा सही रहती है ये, ठीक है। जो ये जो शार होती है इससे क्या होता है? कॉफ़ी का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ये बताना है कि बेसिकली इंडिया के कौन से पार्ट में होती है, ठीक है, और कौन से पार्ट में होती है और किस टाइम पर होती है, ये भी आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है, क्लियर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पे। लैनोस आर द ग्रासलैंड ऑफ, लैनोस जो है कहाँ के ग्रासलैंड है? गुआना हाईलैंड, ब्राजीलियन हाईलैंड, अर्जेंटीना या चिली। देखिए जो लैनोस ग्रासलैंड है ये है गुआना हाईलैंड। कहाँ पर है ये? गुआना हाईलैंड, ठीक है। क्या है इसका करेक्ट आंसर? गुआना हाईलैंड, ठीक है। लैनोस कहाँ पर है? गुआना हाईलैंड में। अगर बात की जाए कि ये गुआना हाईलैंड बेसिकली है कहाँ, तो ये आता है आपका वेनेजुएला, साउथ अमेरिका में। कहाँ पर आता है? वेनेजुएला, वेनेजुएला, ठीक है, साउथ अमेरिका। कहाँ पर आता है? वेनेजुएला, साउथ अमेरिका, क्लियर। ये आप याद रखना, ठीक है। सो लैनोस जो है ग्रास है। देखिए ग्रासलैंड्स क्या होते हैं? घास के मैदान होते हैं, आपको पता है, ठीक है। और आपको यहाँ पे मैं एक बात और बताऊंगी कि जो ग्रासलैंड्स होते हैं उनको अलग हर कंट्री में अलग अलग नेम से बुलाया जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड ज्योग्राफी की अगर बात की जाए तो पेपर में इससे रिलेटेड आता है कि कौन सी कंट्री में, जैसे अब ये आ गया लैनोस ग्रासलैंड कहाँ पर कहा जाता है, तो ये अभी मैंने आपको बताया गुआना में कहा जाता है। इस तरह से बहुत सारे आते हैं, तो यहाँ पर मैं एक छोटी सी अभी आपको लिस्ट बनाकर बताऊंगी कि कहाँ पर किस किस ग्रासलैंड को क्या क्या बोला जाता है। तो अगर बात की जाए स्टेपीज, किसकी बात की जाए?
स्टेपीज, ठीक है। तो अगर स्टेपीज है तो स्टेपीज कहा जाता है यूरेशिया, कहाँ कहा जाता है यूरेशिया, यूरेशिया नाम से ही पता चल रहा है, यूरोप और एशिया, ठीक है। स्टेपीज कहाँ पर कहा जाता है, जो ग्रासलैंड्स हैं, ठीक है, उनको स्टेपीज कहाँ पर कहा जाता है, यूरेशिया। उसके बाद है पुस्ताज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पुस्ताज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन आई हैव पुट स्टार हेयर, यहाँ पे मैंने स्टार लगा दिया, ये इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो जो पुस्ताज जो ग्रासलैंड है वो कहाँ पर कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड इन हंगरी, कहाँ कहा जाता है, हंगरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर में आया भी हुआ है, क्लियर, ठीक है। कौन से मतलब कौन से ईयर में आया था दैट आई डोंट रिमेंबर, बट ये आया हुआ है, दैट इज वाई आई हैव पुट स्टार हेयर, यही कारण है मैंने यहाँ पे स्टार लगाया है। द रीजन इज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज पर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्लियर। उसके बाद है वेल्स, वेल्स इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, वेल्स कहा जाता है साउथ अफ्रीका, कहां कहा जाता है, साउथ अफ्रीका, वेल्स कहां पर कहा जाता है, साउथ अफ्रीका। डाउन्स, डाउन्स कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया, डाउन्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डाउन्स कहां पर बोला जाता है, ऑस्ट्रेलिया, कहां बोला जाता है, ऑस्ट्रेलिया, क्लियर। वेल्स साउथ अफ्रीका और डाउन्स किसको कहाँ पर कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। उसके अलावा है काउंटरबेरी, क्या काउंटरबेरी, काउंटरबेरी कहा जाता है न्यूजीलैंड में, कहाँ पर कहा जाता है, चलिए ऊपर ही लिख देती हूँ काउंटरबेरी, ठीक है। काउंटरबेरी कहाँ कहा जाता है, न्यूजीलैंड, कहाँ कहा जाता है, न्यूजीलैंड, ठीक है, याद रखना। न्यूजीलैंड में क्या कहा जाता है ग्रासलैंड्स को, काउंटरबेरी, ठीक है। इसके अलावा जो है, यस, एक है प्रेरिस, प्रेरिस सबको पता है नॉर्थ अमेरिका में कहा जाता है, प्रेरिस कहाँ पर कहा जाता है, नॉर्थ अमेरिका, कहाँ कहा जाता है, नॉर्थ अमेरिका, क्लियर। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड्स, ये सारे इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड्स हैं, यू हैव टू कीप इन माइंड, कीप इन योर माइंड, पुस्ताज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेपीज यूरेशिया, पुस्ताज हंगरी, वेल्स साउथ अफ्रीका, प्रेरिस नॉर्थ अमेरिका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, काउंटरबेरी न्यूजीलैंड, क्लियर। सो जितनी भी चीज़ें हैं इसको अपने माइंड में याद रखना। इसके अलावा एक आता है पंपास, अब आप मुझे ऑप्शन में लिखे, मीन्स कमेंट सेक्शन में लिखे, आप मुझे बताओगे कि पंपास कौन से एरिया में ग्रासलैंड्स को कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपके लिए है, क्लियर। सारे ग्रासलैंड्स ऑलमोस्ट मैंने आपको बता दिए हैं, पंपास नहीं बताया है, सो यू विल गिव मी द आंसर ऑफ पंपास, आप मुझे बताओगे कि जो पंपास है वो कौन से कंट्री में कहा जाता है, क्लियर। तो ये आपको याद रखना है और मुझे बताना भी है कमेंट सेक्शन में। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑल्सो नेम्ड एज, ईस्टर्न जो कोस्टल प्लेन है उसको क्या कहा जाता है, कोंकण कोस्टल प्लेन, गुजरात प्लेन, कोरोमंडल कोस्ट या मालाबार कोस्ट। देखिए अब मैं यहाँ पर जो है आपको थोड़ा सा आपको मैं मतलब बताऊंगी कि एक्चुअल में होता क्या, वैसे मैंने आपको बहुत बार बता रखा है लेकिन स्टिल फिर भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए मेरी ड्रॉइंग इतनी अच्छी नहीं है बट स्टिल आई जस्ट ट्राई टू, ये आपका हमारा इंडिया का जो है सदर्न पार्ट है जिसे साउथ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। जो इतना पोर्शन होता है इसको ध्यान से समझिएगा, दिस जो पोर्शन होता है जिसमें मैंने आपको क्या बोला है, थ्री स्टेट्स हमारे कवर होते हैं, इन थ्री स्टेट्स को जो कवर होते हैं इनको बोला जाता है कोंकण कोस्ट, मालाबार कोस्ट नीचे वाला है, ठीक है। सो इसको क्या बोला जाता है, कोंकण कोस्ट, क्लियर। उसके और ये कोंकण कोस्ट के अभी मैंने आपको थ्री स्टेट्स बताए हैं वो कौन कौन से हैं, दैट इज योर महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका, और जो ये नीचे का एरिया है ये है आपका मालाबार कोस्ट, क्या है आपका मालाबार कोस्ट, ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद अगर मैं इधर की बात करूँ तो यहाँ का जो एरिया है इसको बोला जाता है नॉर्दर्न सिरकार, क्या बोला जाता है, नॉर्दर्न सिरकार, ठीक है। और ये जो नीचे का एरिया होता है दैट इज योर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाला, इसको बोला जाता है कोरोमंडल, क्या बोला जाता है, कोरोमंडल। सो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा इस क्वेश्चन का वो क्या जाएगा, कोरोमंडल, यानी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। देखो कोंकण आपका वेस्टर्न का है, गुजरात भी वेस्टर्न का ही पार्ट है, कोरोमंडल इधर आता है, मालाबार भी आपका नीचे वाला पार्ट है, यानी वेस्टर्न का, यानी ईस्टर्न की अगर बात की जाए तो ईस्टर्न से रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ कौन सा ऑप्शन है, दैट मीन्स कोरोमंडल कोस्ट। तो ये याद रखना, ये कोंकण कोस्ट, ये मालाबार कोस्ट, दिस इज नॉर्दर्न सिरकार एंड दिस इज कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है, ये याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर क्या है। येस, द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया की जो है लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है ये आपको बताना है। देखिए प्रायद्वीपीय पेनिनसुलर इंडिया की बात करी है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए पेनिनसुलर होता क्या है, वैसे तो बहुत ईजी टर्म है ये, आपको पता होता है पेनिनसुला क्या होता है, विच इज सराउंडेड बाई थ्री साइड्स ऑफ, विच इज सराउंडेड बाई वाटर ऑन थ्री साइड्स, ऑन थ्री साइड्स, जो तीन तरफ पानी से कवर होता है उसको बोला जाता है पेनिनसुला। जैसे अगर मैं अपने इंडिया की बात करूं, ठीक है, अगर मैं सिंपल सी बात है अपने इंडिया की बात करूं, तो यहाँ पे आपका अरेबियन सी है, यहाँ पे आपका बे ऑफ बंगाल है,
ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर आपका क्या है अरेबियन सी, और अगर नीचे की बात करो तो नीचे आपका है इंडियन ओशियन। ठीक है, सो ये थ्री साइड पानी से कवर है, तो हमारा इंडिया का जो सदर्न पार्ट है वो कैसा है, पेनिनसुला है, पहली बात तो ये याद रखो। और आइलैंड क्या होता है, आइलैंड होता है विच इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन फोर साइड्स, जो सभी तरह से पानी से सराउंडेड होता है उसको क्या बोला जाता है आइलैंड। अब आपको बताना है हमारा जो ये पेनिनसुला पार्ट है यहाँ की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, तो यहाँ की जो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है दैट इज गोदावरी, दैट इज गोदावरी, क्लियर, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ की जो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है उसका नाम क्या है, उसका नाम है गोदावरी। ठीक है, और आपको अब यहाँ पे गोदावरी के दो तीन पॉइंट्स बताती हूँ दैट इज इंपॉर्टेंट, जो कि इंपॉर्टेंट है। एक तो सबसे पहले जो है गोदावरी को क्या कहा जाता है, सो गोदावरी इज कॉल्ड दक्षिण गंगा, गोदावरी को क्या कहा जाता है, दक्षिण गंगा। ठीक है, दक्षिण गंगा इसको कहा जाता है, किसको, गोदावरी को। इसके अलावा जो है गोदावरी का कई बार सोर्स पूछ लिया जाता है कि सोर्स यानी ये कहाँ से निकलती है, सो वो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से निकलती है, त्रियंबकेश्वर महाराष्ट्र, कहाँ से निकलती है त्रियंबकेश्वर, त्रियंबकेश्वर महाराष्ट्र इसका सोर्स है। ठीक है, यहाँ से ये निकलती है, क्लियर, ये आपको पता होना चाहिए, महाराष्ट्र, त्रियंबकेश्वर महाराष्ट्र से ये निकलती है, दक्षिण गंगा इसको कहा जाता है। एंड सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है ये हमारे इंडिया की, हमारे इंडिया की जो सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है दैट इज गोदावरी, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो है दो चार बातें सुनिए आप जो है किसके बारे में, रिवर्स के बारे में। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ऑलमोस्ट जितनी भी हमारी रिवर्स हैं, ठीक है, वो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। ठीक है, कहाँ फ्लो करती हैं, बे ऑफ बंगाल की तरफ फ्लो करती हैं, वहाँ पर जाकर फॉल होती हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट रिवर्स, लेकिन तीन या चार ऐसी रिवर्स हैं जो कहाँ पर जाती हैं, अरेबियन सी में, और उनका नाम आपको पता होना चाहिए जो कई बार पूछा जाता है, नर्मदा, ठीक है, ताप्ती, ठीक है, नर्मदा है, तापी है, और एक है पेरियार, कौन सी है पेरियार, एक कौन सी है आपकी पेरियार। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, पेरियार से रिलेटेड एक फेमस जगह है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओगे पेरियार से रिलेटेड कौन सी फेमस जगह है। ठीक है, वो आप मुझे बताओगे कौन से स्टेट में, और एक बहुत फेमस प्लेस है। ठीक है, और इसके अलावा ये कहाँ पर जाती है, ये आपको पता होना चाहिए, दैट इज अरेबियन सी, कहाँ पर गिरती हैं ये, अरेबियन सी में गिरती हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट बाकी जितने भी रिवर्स हैं वो कहाँ जाती हैं, बे ऑफ बंगाल में, क्लियर, एक तो आपको ये पता होना चाहिए। इसके अलावा जो है एक हमारे इंडिया में बोला जाता है मेल रिवर ऑफ इंडिया, क्या बोला जाता है, मेल रिवर ऑफ इंडिया। तो देखिए, जो मेल रिवर ऑफ इंडिया बोला जाता है वो किसको बोला जाता है, ब्रह्मपुत्रा, किसको बोला जाता है, ब्रह्मपुत्रा, और आपको पता होना चाहिए ब्रह्मपुत्रा हमारे इंडिया से नहीं निकलती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, क्लियर। ठीक है, इसके अलावा जो है जो गवर्नमेंट ने जो मेजर रिवर्स अनाउंस की हुई है वो कितनी रिवर्स को अनाउंस किया हुआ है, दैट इज 12 रिवर्स जो है वो मेजर रिवर है, इंपॉर्टेंट रिवर है जो कि गवर्नमेंट ने अनाउंस कर रखा है, यानी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग हाउ मेनी रिवर्स आर मेजर रिवर्स, सो हाउ मेनी रिवर्स आर देयर, देयर आर 12 रिवर्स अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग जो है 12 जो रिवर्स हैं दीज आर द मेजर रिवर्स, क्लियर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, येस, विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेट्स आर प्रोन टू साइक्लोन्स ड्यूरिंग रिट्रीटिंग मानसून सीजन। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए रिट्रीटिंग मानसून होता क्या है। वैसे अभी क्वेश्चन का मीनिंग समझते हैं, क्वेश्चन इस है कि कौन सा जो राज्य है मानसून के दौरान चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होता है, वैसे ही आपको बहुत अच्छे से पता होगा। ठीक है, और अभी एक साइक्लोन बहुत आया था, बहुत फेमस था, तो रिट्रीटिंग मानसून पहले तो होता क्या है, पहले आप उसको समझिए। देखिए, हमारे इंडिया में अगर हम लोग मानसून की बात करें तो मानसून जो होता है वो टू टाइप से हमारे इंडिया में आता है। ठीक है, मॉनसून की अगर हम लोग बात की जाए तो मॉनसून के कितने टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स होते हैं। ठीक है, जब हमारे इंडिया में मॉनसून आता है तो उसको बोला जाता है साउथ वेस्ट मॉनसून, क्या बोला जाता है, साउथ वेस्ट मॉनसून, क्लियर, ये आपको पता होना चाहिए। और जब वापस लौटता है, ठीक है, जब वापस लौटता है तो उसको बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट, क्या बोला जाता है, नॉर्थ ईस्ट, और जब वापस लौटता है तो इसी मॉनसून को रिट्रीटिंग मॉनसून भी बोला जाता है, क्लियर। अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि साउथ वेस्ट क्या होता है और नॉर्थ ईस्ट क्या होता है, पर पहले आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, क्या मानसून जो है हमारे इंडिया में दो तरह से आता है, जब आता है तो उसकी डायरेक्शन होती है दैट इज साउथ वेस्ट, क्या होती है, साउथ वेस्ट, और जब जाता है,
ठीक है, जाता है लैंड से कहां पर जाता है, सी की तरफ जाता है, ठीक है। सो जब उसकी डायरेक्शन दैट इज नॉर्थ ईस्ट, और उसी को ही क्या बोला जाता है, रिट्रीटिंग मानसून। क्या बोला जाता है, रिट्रीटिंग मानसून, क्लियर। अब देखिए ये जो साउथ वेस्ट मानसून होता है ना, ये होता है इस टाइम का सीजन, जब आप जून से सेप्टेम्बर तक जो सारी रेनफॉल होगी। सिंपल सी बात सुनिए ध्यान से, प्रेजेंट सीनेरियो को कनेक्ट करके बात कराऊंगी। क्या अभी जो प्रेजेंट में, अब जून से लेकर जो सेप्टेम्बर तक जो भी हमारी रेनफॉल होगी, सो वो रेनफॉल जो होगी मानसून की कौन सी ब्रांच से होगी, तो वो होगी आपकी साउथ वेस्ट ब्रांच से। कौन सी ब्रांच से होगी, साउथ वेस्ट ब्रांच से। तो ये याद रखना, ये एंटायर इंडिया में बारिश करता हुआ जाता है, और क्या ड्यूरेशन होती है, जून से सितंबर। बात समझ आ रही है, ये एंटायर इंडिया में बारिश करता हुआ जाता है, और इसकी जो भी मतलब जो वो होती है लाइक पूरा का पूरा ये कहाँ पर, पूरे इंडिया में ये जो है रेनफॉल को कवर करता हुआ चलता है, ठीक है। अगर बात की जाए नॉर्थ ईस्ट मानसून की, तो नॉर्थ ईस्ट मानसून होती है आपकी अक्टूबर से नवंबर वाली, ठीक है। और अक्टूबर से नवंबर वाली जो मानसून होती है वो नॉर्थ ईस्ट होती है, और उसको क्या बोला जाता है, यस, वो कहाँ पर बेसिकली, पहले तो आप इसकी ड्यूरेशन सुनिए, ड्यूरेशन क्या है, अक्टूबर से नवंबर, ठीक है। फिर आप ये सुनिए कि ये बारिश करता कहाँ है, ये तो एंटायर इंडिया में करता है, ये बेसिकली करता है कोरोमंडल कोस्ट पर। अभी मैंने आपको ड्रॉ करके बताया था ना कोरोमंडल कोस्ट कौन सा है आपका, कोरोमंडल कोस्ट होता है आपका तमिलनाडु आंध्र प्रदेश वाला जो एरिया होता है उसको बोला जाता है, ठीक है। सो बेसिकली जो है आपका ये जो मानसून करता है ये कहाँ करता है, कोरोमंडल पर, ठीक है, कोरोमंडल। सो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा। आप याद रखिए, देखिए अभी आपको सब पता है कि अभी ओडिशा में एक बहुत जो है बहुत ज़्यादा डिजास्ट्रस एक साइक्लोन आया था, साइक्लोन फैनी, जिसके बारे में मैंने आपसे एक प्रीवियस वीडियो में भी पूछा था, ठीक है। साइक्लोन फैनी मैंने आपसे पूछा था, नाम भी पूछा था, हुड्डा फॉर स्नेक होता है उसका मीनिंग, ठीक है। और ये कौन सी गवर्नमेंट ने दिया था, मतलब कौन सी कंट्री ने इसको दिया था, तो बांग्लादेश ने दिया था, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों था, ध्यान से समझना। वैसे तो जितने ऑलमोस्ट मानसून आते हैं ना वो सारे आते हैं अक्टूबर नवंबर के टाइम पर ये जो है कुछ एक ही ऐसे मानसून है, सॉरी मानसून की बात कर रही हूँ, साइक्लोन्स हैं, ऐसे साइक्लोन हैं जो किस में आए हैं, जो इस टाइम पर आए हैं आपके अप्रैल के टाइम पर आए हैं, ठीक है। सो दिस इज, एक तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, दूसरा ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका जो लेवल था वो था लेवल 4, ये लेवल 4 का जो है आपका साइक्लोन था, ठीक है, बहुत ज्यादा डिजास्ट्रस था। लेकिन हाँ ये कहा जा सकता है, ये जरूर कहा जा सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो है, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है इस साइक्लोन से निपटने के लिए पहले ही बहुत नेसेसरी जो है मेजरमेंट उन्होंने कर लिए थे, मेजर्स टेस्ट ले लिए थे, क्लियर। और जिसका आपको पता है इंटरनेशनल लेवल पर भी हमें बहुत सारा एप्रिसिएशन मिला था, क्लियर। एक तो ये बात याद रखिए, ठीक है। तो ये आपका जो है पूरा आपका मानसून साइकिल है। इंडिया में 2 टाइप्स के मानसून है, दैट इज जब आता है तो साउथ वेस्ट है, पूरे इंडिया में बारिश करेगा, ठीक है। जब जाएगा नॉर्थ ईस्ट, इसे बोला जाता है रिट्रीटिंग, कोरोमंडल कोस्ट में बेसिकली आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा इस साइड पर बहुत ज्यादा करता है, साइक्लोन इसी टाइम पर ही आते हैं, ठीक है। सो ये सारा का सारा आपको आई थिंक समझ आ गया होगा बहुत ही अच्छे से। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर। सन टेम्पल इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ, आपको बताना है कि जो सन टेम्पल है वो कौन से स्टेट में है, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, ओडिशा या तमिलनाडु। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। देखिए जो सन टेम्पल है, ठीक है, कोणार्क बोला जाता है, दैट इज़ योर ओडिशा, दैट इज़ योर ओडिशा। और आपको यहाँ पर मैं ओडिशा के बारे में 2-3 बातें बताऊंगी, ध्यान से समझना। एक तो ओडिशा में जो भुवनेश्वर है, बेसिकली भुवनेश्वर, ठीक है, भुवनेश्वर को बोला जाता है टेम्पल सिटी। भुवनेश्वर को क्या बोला जाता है, टेम्पल सिटी। एक तो ये याद रखना, भुवनेश्वर इज कॉल्ड टेम्पल सिटी, सिटी ऑफ टेम्पल्स। ये क्वेश्चन भी कई बार आता है, विच सिटी इज कॉल्ड सिटी ऑफ टेम्पल्स, तो विच सिटी इज कॉल्ड, दैट इज भुवनेश्वर। दूसरा, ओडिशा को इंडिया की डिजास्टर कैपिटल भी बोला जाता है, ये याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट। हेयर आई एम पुटिंग स्टार, यहाँ मैं स्टार लगा रही हूँ बिकॉज अब जो बात बताई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओडिशा इज कॉल्ड द डिजास्टर कैपिटल ऑफ इंडिया, इंडिया की जो डिजास्टर कैपिटल है वो किसको बोला जाता है, ओडिशा को, क्लियर। और वो आपको पता ही है क्यों, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो साइक्लोन आते हैं, जो सबसे ज़्यादा डिजास्टर, जो मतलब तबाही डिस्ट्रक्शन मचाते हैं, वो कहाँ पर मचाते हैं, ओडिशा में। इवन अभी भी जो साइक्लोन फैनी आया था, मैंने अभी आपको बताया, उसने भी जो है सबसे ज़्यादा जो है ओडिशा के पूरी जगह पर बहुत ज़्यादा जो है मतलब डिस्ट्रक्शन मचाया है, क्लियर। सो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब क्योंकि यहाँ पर मंदिर की बात हुई है, ठीक है, सन टेम्पल आपको बता दिया ओडिशा, तो अभी हम क्या करते हैं, एक लिस्ट पढ़ लेते हैं। उस लिस्ट में हम क्या पढ़ेंगे, जो जो मेन मेन टेम्पल अभी तक एसएससी ने पूछे हैं उसको हम एक बार कवर कर लेते हैं, ठीक है, उससे हमारा रिकैप्चुलेट हो जाएगा।
अच्छे से हमारा रिकैप्चुलेट हो जाएगा और वो कवर करना जरूरी भी है। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात करते हैं बद्रीनाथ। किसकी बात करते हैं? बद्रीनाथ। ठीक है, तो बद्रीनाथ जो है चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड, कहाँ पर है? उत्तराखंड। आई एम राइटिंग हेयर यूके ओनली, बिकॉज शॉर्ट में लिखती हुई चलूंगी ताकि आपको सारी बातें एक बार रिकैप्चुलेट हो जाए। तो अगर बद्रीनाथ टेम्पल पूछेगा तो वो कहाँ पर है? उत्तराखंड। ठीक है, उसके अलावा जो है खुजराहो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खुजराहो जो है वो कहाँ पर है? एमपी, मध्य प्रदेश। कहाँ पर है? एमपी, मध्य प्रदेश। क्लियर, इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे, इनको याद रखना। इसके अलावा पूछा गया है गोमतेश्वर। क्या पूछा गया है? गोमतेश्वर। गोमतेश्वर आपको पता होना चाहिए, ठीक है, और ये इसको बेसिकली बोला जाता है श्रवण बेलागोला। ठीक है, श्रवण बेलागोला, और ये कहाँ पर है? ये है कर्नाटका। कहाँ पर है ये? कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका। ठीक है, अब यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है, क्या गोमतेश्वर एक्चुअल में ना एक मूर्ति है? ठीक है, एक प्रतिमा है। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ये बताना है कि ये कौन से भगवान को डेडिकेट की गई है। क्लियर, ये आपको मुझे लिखकर बताना है। इसके अलावा है सोमनाथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ मैंने आपको क्या बताया? सोमनाथ। सोमनाथ है सौराष्ट्र गुजरात में, सौराष्ट्र गुजरात में। सोमनाथ टेम्पल कहाँ पर है? सौराष्ट्र गुजरात में। क्लियर, ठीक है। इसके अलावा आपके पास आता है एक लिंगराज टेम्पल, ओडिशा का बहुत फेमस टेम्पल है और कई बार पेपर में पूछा गया है लिंगराज। लिंगराज टेम्पल कहाँ पर है? ओडिशा। कहाँ पर है? ओडिशा। क्लियर, सो इसको भी याद रखना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जगन्नाथ आपको पता ही है, जगन्नाथ सबको याद रहता है, जगन्नाथ पुरी का जगन्नाथ मंदिर ऐसे याद किया जाता है, पुरी आपको पता है ओडिशा में। अभी साइक्लोन वाले उससे पॉइंट से भी मैंने आपको याद करा दिया, तो ये आपको याद रहेगा कि जगन्नाथ कहाँ पर है? पुरी ओडिशा। ठीक है, सो ये जितने भी हैं इसको अच्छे से याद रखना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये जितनी भी चीज़ें हैं बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्लियर, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पे। यस, द फोर लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इन डिक्रीजिंग साइज। डिक्रीजिंग साइज में आपको जो है फोर जो है लार्जेस्ट आपको बताना है, यानी सबसे पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। तो कौन सा है? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये जो है आपके जो है क्या है? आपके डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। क्लियर, अब हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? कि थोड़ा थोड़ा हम लोग प्लैनेट्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि एक्चुअल में ये जो प्लैनेट्स होते हैं ये किस तरह से होते हैं। थोड़ा थोड़ा हर एक प्लैनेट के बारे में मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अगर सबसे पहले बात की जाए मरकरी, ठीक है, तो आपको पता है नियरेस्ट टू द सन, सन के सबसे ज़्यादा नियरेस्ट है, नियरेस्ट टू द सन। ठीक है, एक तो ये बात आप याद रखना, नियरेस्ट टू द सन कौन सा है? दैट इज मरकरी। इसके अलावा जो है आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, नो एटमॉस्फेयर, कोई भी एटमॉस्फेयर यहाँ पर नहीं है। दूसरा आपको पता होना चाहिए नो सैटेलाइट, इसका कोई सैटेलाइट भी नहीं है। ठीक है, सो ये तीन बातें जो है इनको याद रखना, मरकरी से रिलेटेड, नियरेस्ट टू द सन, नो सैटेलाइट और नो एटमॉस्फेयर। ठीक है, उसके बाद सेकंड हम लोग बात करते हैं वीनस। किसकी बात करते हैं? वीनस। अगर आपको पता होना चाहिए वीनस को जो है अर्थ ट्विन कहा जाता है। विच प्लैनेट इज कॉल्ड अर्थ ट्विन? कौन से प्लैनेट को अर्थ का ट्विन कहा जाता है? दैट इज वीनस। इसके अलावा जो है वीनस जो है ब्राइटेस्ट है, हॉटेस्ट है। आप पूछ सोचोगे कि मैम ब्राइटेस्ट तो चलो समझ में आता है, लेकिन हॉटेस्ट क्यों है? बिकॉज हॉटेस्ट इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है। आप सोचिए अर्थ पर इतनी कम है तो भी यहाँ पे इतनी गर्मी होती है, तो सोचो ये कितना है। तो ध्यान रखना, बेशक मरकरी सन के बिल्कुल पास है, लेकिन जो हॉटेस्ट प्लैनेट है वो कौन सा है आपका? वीनस, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ CO2। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको बताऊँ मैं, इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, ये भी याद रखना। क्लियर, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार भी इसको कहा जाता है। ठीक है, और इसका भी कोई सैटेलाइट नहीं है, नो सैटेलाइट, नो सैटेलाइट। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा आता है अर्थ। कौन सा प्लैनेट आता है? अर्थ। अब देखिए अर्थ के बारे में तो सभी को पता है, अर्थ इज कॉल्ड द यूनिक प्लैनेट। अर्थ को यूनिक प्लैनेट कहा जाता है बिकॉज जो लाइफ है वो पॉसिबल सिर्फ कहाँ पर है? अर्थ पर है। ठीक है, तो अर्थ इज कॉल्ड यूनिक
प्लैनेट, एक तो अर्थ को यूनिक प्लैनेट कहा जाता है, ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, क्योंकि आपको पता है हमारा 71% जो पार्ट है वो हमारा वाटर से कवर है, जबकि 29% जो पार्ट है वो हमारा लैंड से कवर है, ठीक है। सो अर्थ को क्या कहा जाता है, यूनिक प्लैनेट, ब्लू प्लैनेट, और आपको पता होना चाहिए इसका सिर्फ कितना है, 1 मून है, ठीक है, कितना मून है, 1 मून है, ये आप याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा आता है मार्स, क्या मार्स, मार्स को कहा जाता है रेड प्लैनेट, क्या कहा जाता है, रेड प्लैनेट, क्यों रेड प्लैनेट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड होता है, रेड प्लैनेट क्यों कहा जाता है, बिकॉज आयरन ऑक्साइड होता है, ठीक है, ये याद रखना, क्लियर, मार्स को रेड प्लैनेट कहा जाता है, ठीक है। और आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, सोलर सिस्टम का, अब यहाँ पे सुनना ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है जो बताने वाली हूँ, इसलिए ऊपर वाले को थोड़ा सा रब कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मार्स का एक तो मैंने आपको ये बता दिया कि इसको रेड प्लैनेट कहा जाता है, दूसरा सुनिए ध्यान से, सोलर सिस्टम का हाइएस्ट माउंटेन, सोलर सिस्टम की बात हो रही है यहाँ पे, हाइएस्ट जो माउंटेन है वो कहाँ पर है, ये क्वेश्चन आया हुआ है SSC में, ये क्वेश्चन आया हुआ है, हियर आई एम पुटिंग स्टार, ये आया हुआ क्वेश्चन है, क्या, हाइएस्ट माउंटेन ऑफ सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम का जो सबसे हाइएस्ट माउंटेन है वो कहाँ पर है, मार्स में है, और उसका नाम क्या है उस हाइएस्ट माउंटेन का, तो वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, द नेम ऑफ दिस निक्स ओलंपिया, क्या है, निक्स ओलंपिया, ठीक है, ये हाईएस्ट माउंटेन है, लेकिन किसका, सोलर सिस्टम का, कहीं सोचो अर्थ की बात कर रही हूँ मैं, यहाँ बात चल रही है सोलर सिस्टम की, तो सोलर सिस्टम का जो हाईएस्ट माउंटेन है वो क्या है, निक्स ओलंपिया, और कहाँ पर है, ये मार्स पर है, और आपको पता होना चाहिए ये इतना ऊंचा है कि हमारी माउंट एवरेस्ट से भी थर्ड टाइम, मतलब 3 गुना इसकी हाइट है, सोचिए आप, माउंट एवरेस्ट की हाइट 8848 मीटर है, ठीक है, यानी उससे ट्रिपल इसकी हाइट है निक्स ओलंपिया की, क्लियर। और एक चीज और याद रखना, एक और इंपॉर्टेंट बात, इसके दो प्लैनेट हैं, सॉरी दो सैटेलाइट हैं, ठीक है, यानी दो मून है, मून कह सकते हैं नेचुरल सैटेलाइट को, है ना, इसके दो मून हैं जिनके नाम पूछे गए थे, फोबोस और डीमोस, कौन कौन से हैं, फोबोस और डीमोस, क्लियर, ये याद रखना, मार्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है मार्स, रेड प्लैनेट कहा जाता है आयरन ऑक्साइड की प्रेजेंस के कारण, हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द सोलर सिस्टम है, नाम क्या है उसका, निक्स ओलंपिया, ठीक है। और इसके अलावा इसके दो जो है मून्स है वो कौन से हैं, फोबोस एंड डीमोस, क्लियर। उसके बाद हमारा आता है जुपिटर, क्या आता है हमारा, जुपिटर, अब सुनिए ध्यान से, जुपिटर क्या होता है, देखिए वैसे तो जुपिटर को आपको सबको पता है, जुपिटर जो है लार्जेस्ट प्लैनेट है, और सबसे ज्यादा इसके जो है लार्जेस्ट प्लैनेट और मैक्सिमम मून्स, ये याद रखना, मैक्सिमम मून्स है, लार्जेस्ट प्लैनेट है, ठीक है। अब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है कि जुपिटर के कितने मून्स हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओगे, दैट हाउ मेनी मून्स आर देयर ऑफ जुपिटर, जुपिटर के कितने मून्स हैं, ठीक है। इसके अलावा इसका नाम कई बार पूछ लिया जाता है, ये देखिए जितने भी सैटेलाइट है ना, ये रोमन किंग के ऊपर पर हैं, मतलब रोमन किंग के नाम के ऊपर हैं, ठीक है। तो जुपिटर का जो नेम है इसका क्या है, रोमन किंग ऑफ गॉड, ठीक है। तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, इसका मीनिंग पूछ लिया जाता है, ठीक है, रोमन किंग ऑफ गॉड। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सैटर्न की, किसकी बात करते हैं, सैटर्न की, देखिए सैटर्न जो है वो सेकंड लार्जेस्ट है, सबको पता है, और सैटर्न के जो है चारों ओर क्या है, रिंग्स हैं, सैटर्न सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट, ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है, एक तो आपको ये पता होना चाहिए, प्लस इसके चारों ओर क्या है, रिंग्स है, ठीक है, प्लैनेट विद रिंग्स है, और इसके 62 सैटेलाइट्स हैं, इसको बोला जाता है प्लैनेट विद रिंग्स। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, विच प्लैनेट इज नोन एज प्लैनेट विद रिंग्स, कौन से प्लैनेट को प्लैनेट विद रिंग्स कहा जाता है, तो नेम ऑफ द प्लैनेट इज सैटर्न, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है आपका यूरेनस को क्या कहा जाता है, यूरेनस को कहा जाता है ग्रीन प्लैनेट, यूरेनस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कहा जाता है, ग्रीन प्लैनेट, क्यों कहा जाता है ग्रीन प्लैनेट, क्योंकि यहाँ पर मीथेन बहुत ज़्यादा है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मीथेन की प्रेजेंस के कारण जो है यूरेनस को क्या बोला जाता है, ग्रीन प्लैनेट, ठीक है। और इसका जो ये आया हुआ क्वेश्चन है, क्या यूरेनस का जो सबसे बिगेस्ट सैटेलाइट है वो कौन सा है, मिरांडा, ठीक है, बिगेस्ट सैटेलाइट नहीं, मून कह सकते हो, बिगेस्ट मून ऑफ यूरेनस, ठीक है, यूरेनस का जो सबसे बिगेस्ट मून है वो कौन सा है, दैट इज मिरांडा, क्लियर। और उसके बाद आपका लास्ट आता है नेपच्यून, नेपच्यून जो है कोल्डेस्ट एम्पायर, वो है आपका
कोल्डेस्ट आपका और फार्देस्ट, ठीक है, आपका सैटेलाइट है, ठीक है, उसके बारे में तो बताने की जरूरत ही नहीं है। सो ये सब था आपका प्लैनेट के बारे में, थोड़ा सा था, रिकैप्चुलेट हो गया। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, कौन से राज्य में पोडू इज अ फॉर्म ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। देखिए आपको ये बताना है कि जो पोडू है ये एक जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती क्या है, क्लियर, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है जिसमें शिफ्ट में जो होती है आपकी कल्टीवेशन होती है, ठीक है, सारा उसको जला दिया जाता है, उस जगह को साफ कर लिया जाता है, ठीक है, और फिर जलाने के बाद जो उसका एशेज बन जाते हैं उसको एज अ फर्टिलाइजर यूज किया जाता है, दैट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब होता क्या है और तब तक वहां पर कल्टीवेशन की जाती है जब तक वहां पर जो होती है वो वहां की लैंड फर्टाइल रहती है। जैसे ही उसकी फर्टिलिटी पावर जो होती है वो खत्म हो जाती है तो दूसरी जगह पे वो लोग शिफ्ट कर जाते हैं, इसलिए इसको कहा गया शिफ्टिंग कल्टीवेशन। मैंने कहा ना शिफ्ट में कल्टीवेशन होती है, ठीक है। इस जगह मान लीजिए यहां पे है, इस जगह को साफ किया, यहां पे मान लो बहुत सारे जो है फॉरेस्ट वगैरह पेड़ वगैरह थे उनको काटा, साफ किया, जला दिया, ठीक है। जलाने के बाद क्या करेंगे, यहां पे कल्टीवेशन करेंगे और जलने के बाद जो एशेज बने थे उस एशेज को एज अ फर्टिलाइजर यूज कर लेंगे। फिर क्या होगा, जब यहाँ पर तब तक करते रहेंगे जब तक जो है यहाँ की फर्टिलिटी पावर जो है बनी रहेगी, जैसे इस लैंड की फर्टिलिटी पावर खत्म हो गई नेक्स्ट जगह पे शिफ्ट कर जाएंगे, क्लियर। ये है आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन का नाम पोडू कौन से स्टेट में है, मध्य प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर या आंध्र प्रदेश। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है, क्योंकि शिफ्टिंग कल्टीवेशन को इंडिया में और अगर वर्ल्ड में भी अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड में अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। तो इंडिया में एक नाम है पोडू, ठीक है, तो ये कौन से स्टेट में बोला जाता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्या जाएगा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश में क्या बोला जाता है, पोडू और पांडा, ठीक है, पोडू एंड पांडा भी बोला जाता है, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को, ठीक है। इसके अलावा जो है आपको दो तीन मैं जगहों के नाम बता रही हूँ जहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन को क्या क्या बोला जाता है इंडिया में, ठीक है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इंपॉर्टेंट हैं। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात की जाए राजस्थान, किसकी बात की जाए, राजस्थान, ठीक है, तो राजस्थान में जो है राजस्थान में भी पहले याद रखना शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है, ठीक है। तो राजस्थान में जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन को क्या बोला जाता है, वेल्लेर, क्या बोला जाता है, वेल्लेर, ठीक है। इसके अलावा अगर बात की जाए आपका नॉर्थ ईस्ट पार्ट की, तो नॉर्थ ईस्ट पार्ट में कहा जाता है झूमिंग, नॉर्थ ईस्ट में क्या कहा जाता है, झूमिंग, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ ईस्ट वाला ये पूछा जाता है, झूमिंग, दिस इज इंपॉर्टेंट, नॉर्थ ईस्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा बोला जाता है कुमारी, अब कुमारी कहाँ बोला जाता है, कुमारी बोला जाता है आपका वेस्टर्न घाट पर, कहाँ पर बोला जाता है, वेस्टर्न घाट पर, ठीक है, याद रखना वेस्टर्न घाट पर क्या बोला जाता है, कुमारी, क्लियर। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रिलेटेड टू शिफ्टिंग कल्टीवेशन, यू हैव टू कीप इन योर माइंड और यू हैव टू मेसमराइज इट, क्लियर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द अंडमान इज सेपरेटेड फ्रॉम निकोबार बाय विच वाटर बॉडी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये बताना है अंडमान जो है कौन सी जलीय निकाय के द्वारा अलग किया जाता है, 11 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, पाक स्ट्रेट या गल्फ ऑफ मन्नार। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा 10 डिग्री चैनल, ठीक है। देखिए कैसे आप समझो, पाक स्ट्रेट मैंने आपको बताया था, पाक स्ट्रेट, पहली बात आपको पता होना चाहिए स्ट्रेट होती क्या है, स्ट्रेट क्या होता है, एक नैरो स्ट्रिप होती है जो दो जो है जो वाटर बॉडी को अलग करती है वो होती है स्ट्रेट, ठीक है। सो पाक स्ट्रेट किसके बीच में है, किसके बीच में है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में है, ठीक है, इंडिया एंड श्रीलंका, ठीक है। गल्फ ऑफ मन्नार भी इसी से ही रिलेटेड है, ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार ये भी इसी हमारे सदर्न पार्ट पर है, इंडिया के बिल्कुल सदर्न टिप पर है, ठीक है। सो अभी आपको मुझे ऑप्शन में लिखकर, सॉरी कमेंट सेक्शन में लिख के ये बताना है 11 डिग्री चैनल किससे रिलेटेड है, 11 डिग्री चैनल के बारे में जो भी कुछ आपको पता है उससे रिलेटेड आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है, क्लियर, ये आपको मुझे लिख के बताना है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पे। द अर्थ समिट वॉज अ मेजर यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन, बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्थ जो समिट है वो कब हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो अर्थ समिट हुई थी वो हुई थी 1992 में, कब हुई थी 1992 में, और आपको पता होना चाहिए इसे रियो डी जेनेरियो भी कहा जाता है, रियो डी जेनेरियो समिट भी कहा जाता है, ठीक है, रियो डी जेनेरियो समिट भी कहा जाता है, किसको, आर्ट समिट को, कब हुई थी ये 1992 में, क्लियर। इसके अलावा जो है आपको पता होना चाहिए क्या, जून 1992 में हुई थी, ठीक है।
इसके अलावा अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जो है ओजोन डिप्लेशन से रिलेटेड, मैंने कराया हुआ है ये भी एक सीरीज में, ओजोन डिप्लेशन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट सबमिट हुई थी उस सबमिट का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओगे, क्लियर? जो ओजोन डिप्लेशन से रिलेटेड थी बेसिकली, क्लियर? लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास, आज के क्लास का बिल्कुल लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन। शिव समुद्रम फॉल्स इज फाउंड इन द कोर्स ऑफ रिवर, शिव समुद्रम जो फॉल्स है वो कौन सी रिवर पर है, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी या महानदी? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा कावेरी, क्या जाएगा? कावेरी, ठीक है। और कावेरी भी कहाँ पर, कहाँ पर आता है ये शिव समुद्रम जो वाटरफॉल है, शिव समुद्रम जो वाटरफॉल है ये कहाँ पर आता है? बेंगलोर, कहाँ पर आता है? बेंगलोर, क्लियर, ठीक है। इसके अलावा जो है अभी यहाँ पे फटाफट से आप जो है एक दो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट वाटरफॉल के नाम सुन लो और फिर हम क्लास को ओवर करते हैं। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है दूध सागर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाटरफॉल। दूध सागर जो वाटरफॉल है वो है मंडोवी रिवर गोवा, कहाँ पर है? मंडोवी रिवर गोवा। इसके अलावा जो है इंडिया का हाइएस्ट वाटरफॉल, हाइएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाइएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया जो कि है जॉकफॉल, क्या? जॉकफॉल भी बोला जाता है और गैरोसप्पा भी बोला जाता है, जॉकफॉल और गैरोसप्पा, ठीक है, गैरोसप्पा। और ये कहाँ पर है, कौन सी रिवर पर है? ये है शरावती रिवर, शरावती रिवर कर्नाटका, कहाँ पर है ये? कर्नाटका, क्लियर, ये सारी के सारी। इसके अलावा है एक आपका हुंड्रू, हुंड्रू इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, हुंड्रू जो है, वैसे हुंड्रू नहीं बहुत सारे हैं यहाँ पर, तो हुंड्रू है आपका सुबर्णा रेखा, सुबर्णा रेखा रिवर पर, और कहाँ पर है ये? रांची। और आपके लिए क्वेश्चन है यहाँ पर जाते जाते, क्या आपको मुझे बताना है विच सिटी इज कॉल्ड सिटी ऑफ वाटरफॉल्स, कौन सी सिटी को सिटी ऑफ वाटरफॉल्स कहा जाता है? मैं आपको बताती हूँ क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे वाटरफॉल है, हुंड्रू है, ठीक है, और भी बहुत सारे वाटरफॉल है, मैंने यहाँ पे आपको आंसर दे दिया, एक तरह से आंसर का पूरा हिंट दे दिया, ठीक है। सो दिस वॉज अ फॉर द टूडे सेशन, ये आज का सेशन था, होप आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आया है क्लास को मैक्सिमम लाइक कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपके कितने, मतलब आपको आंसर्स आ रहे हैं। और आपका जो पेपर चल रहा है RRB GA का, उसमें जो है आपको क्लास से रिलेटेड क्या क्या बेनिफिट हो रहा है उसे भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। आई विल वेट फॉर योर आंसर, मैं आपके आंसर्स का वेट करूंगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, हम चलते हैं, दोबारा मिलेंगे फिर नई एनर्जी के साथ, फिर कुछ नए सेशन के साथ, बाय बाय।